गबला हुआ है हम। तो मिक्स हो अपना ट्रेडिशनल बिस्कुट है, बन चुका है, खा रहा है सब, देखो बैठा हुआ है और यहाँ पे है। मैं परिचय देता हूँ, आप लोग नहीं पहचान पा रहे। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है आप लोगों का और एक नया ब्लॉग के साथ। एक नया दिन शुरुआत हो चुका है, आज हो चुका है थर्सडे। तो दोस्तों एक्चुअली अभी तो फिलहाल के लिए धूप बहुत बढ़िया करके आया है, आज तो इतना फॉग गिरा नहीं। देखो इधर भी क्लियर है और इस तरफ भी क्लियर है, फिर भी अभी आज से ज़्यादा बच चुका है, लगभग नौ बचने वाला है। मैं उठ के ही मनत का मामी बेम्बूसूट ढूंढने के लिए गया था। यहाँ पे देखिए जो बेम्बूसूट लेके आया था उसका चिल्का जो है पूरा एक टोकरी हो गया, देखो फूल होने वाला है। और इतना सारा बेम्बूसूट का जो अच्छा वाला है ना, जो काटे हैं हम लोग, वो भी मिल गया है। कहाँ से लेके आया? जंगल से। जंगल तो दुनिया भर का जंगल है, कौन सा जंगल से? अमेजन फॉरेस्ट से लेके आया बोल रहा था। और इस तरफ है साले साहब, टीवी देख रहा है। यहाँ पे है बप्पू। बाबा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बाबा? हेलो, क्या हो गया, क्यों गुस्सा आ गया? हाँ, मोबाइल लॉक हो गया, इसकी वजह से होगा, ऑन कर दो। और यहाँ पे कौन है, नया मेहमान है, शर्म आ रहे देखो। रिवील करता है। और यहाँ पे है साले साहिबा, सब्जियाँ बना रहे है मेरे लिए, लंच का तैयारी कर रहा है। हाँ, क्या बन रहा है यहाँ पे? ओ, टीना का मछली। और पानी नहीं डाला उसमें? अभी तक नहीं डाला। टीना का मछली बनेगा, बेम्बू सूट बनेगा। और आज आप लोग टाइटल और थंबनेल तो देख के मालूम चल गया होगा क्या बनाने वाले हैं। जब टाइम आएगा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, पूरा दिखाएंगे हम लोग कैसे कैसे बनाते। आप लोग इस प्रोसेस को लेके जरूर आप लोग ट्राई कर सकते। तो मैं बेम्बू सूट का सिल्का निकालने के बाद नहाने गया है और इतना सारा कपड़ा लेके गया है, ये देखो इतना सारा कपड़ा धोया है। और रिमझिम ने खाना बनाया था और मैं आने से पहले वो लोग खाना खाया और मैं भी सीधा खाने में बैठ गया। अब इस टिक्की राइस को सफाई करेंगे दोस्तों, सफाई करने के बाद भिगो के रखेंगे। और यहाँ है स्टिकी राइस, मैं सफाई कर रही हूँ, यहाँ पे दान वगैरह है वो सब सफाई करने के बाद भिगाएंगे। सब सफाई हो चुकी है और 1 किलो भिगाएंगे दोस्तों। बस इतना ही भिगाएंगे इसके राइस को धो के दोस्तों। यहाँ पे पानी सूखने के लिए धूप में दिया है बिल्कुल बोरी में। सो दोस्तों चावल पानी सूख गई है, अभी ये बकेट में उतारेंगे। राइस को भी पाउडर बना के लेके आया है, एक गबला हुआ है, हम लोग इसको बोलते हैं गबला। यहाँ पे मैं ऑलरेडी कोकोनट को छोटा छोटा पीस करके रखी हूँ। तो दोस्तों भाभी भी पहुँच गई है, अभी मिक्स करेंगे। और यहाँ देखो हम लोग मिक्स नहीं कर रही है, ये तो कर रही है, अपना अपना मिक्स हो रही है। और हम लोग का अभी तक मिक्स नहीं किया है दोस्तों, अभी मिक्स करेंगे। मन का पप्पा चीनी लेने के लिए गया है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा चीनी देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। तो नमक भी देगा, अभी मुझे पता भी नहीं था नमक देना पड़ता है करके। यहाँ पे जो भी सामान दे रही है ये भी मांग रही है, ये देखो। और वहाँ पे शैतान सो रही है। दोस्तों मनत का पापा शुगर लाई है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल मिक्स कर लिया है बाबी पानी के साथ, चीनी शुगर मिक्स किया है। और ये मिक्स का पानी यहाँ पे डालेगा, शुगर थोड़ा गंदा है इसीलिए हम लोग पानी छान के ले रही है। और अभी धीरे धीरे मिक्स कर रही है बाबी। तो मिक्स हो चुकी है दोस्तों और हम लोग बनाएंगे यहाँ पे बिल्कुल ट्रेडिशनल चूल्हा में। यहाँ पे अभी आग जलाऊंगी, तो चूल्हा में आग भी जलाया है दोस्तों, अभी कराई देंगे।
गरम हो चुकी है दोस्तों। करे अभी डालेंगे ऑयल। पवन भी गरम हो चुकी है ऑयल। ये देखिए हो रहा है रेडी। और ये हम लोग का पुराना जमाने से बना के आते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बुरा भी दे अपना भाषा से। एकदम ट्रेडिशनल है पुराना जमाने से, जो हम लोग का दादा दादू उस जमाने से बना के आते हैं बुरा भी। देखो तो अभी मन्नत का मम्मी मेहनत तो कर रहे है भाभी और खा रहा है। ये देखो खाओ कैसा है, बहुत ही टेस्टी है। तो खत्म भी नहीं हो रही है, मैंने खा लिया एक, रहा नहीं जा रहे मुझे। वहाँ पे देखो इतना सारे हो गए ना, पूरा होने के बाद पूरा फैमिली बैठ के खाएंगे एक साथ। कब खाएगा? खाऊंगा मैं भी, सब होने के बाद ही सब लोग की खाएंगे मिलजुल के। यहाँ पे देखिए साली साहिबा यहाँ पे आराम से बैठा है, मोबाइल वगैरह देख रहा है। और खाएगा कि नहीं खाएगा तू? नहीं लगता मुझे, खाएगा तो मुझे मिर्ची खाने का मन करता है। वो क्या मिर्ची दे। क्या सिक्को जोराई दी, वो हिंदी में बोलो क्या क्या बीमारी है इसका? ओसा वाला एक मतलब बिस्कुट खाएगा तो उसको मिर्ची खाने का मन करता है। ये कहाँ से भाई, ये क्या है? कोई कोई कंफ्यूज तो नहीं है तू? सही से बोलो, सही से बोलो, कंफ्यूज है कि नहीं तू? और अभी साले साहिबा तो खा रहा है लोकल बिस्कुट, देखो कैसा है। हाँ। इतना खा नहीं सकता है बोलता है, इसका ये बीमारी है ये खाने से, इसको मिर्ची खाने का मन करता है। ये कौन सा बीमारी है जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों, इसका बीमारी का इलाज भी बताइए क्या है। ये खाने से इसको सिक्को जरूरत है। और सब कुछ बन जाएगा तो खाएंगे मजा से। और यहाँ पे भैया भी आ चुका है, फ्रांचिस भी आ चुका है खाने के लिए, और बापू तो ऑलरेडी खा रहा है। क्या हुआ बाबा? और यहाँ पे साले साहब आप खाता है कि नहीं खाता है? खटा है ना, ठंडा कर रहे देते है, ठीक है ठंडा हो गया बाबा, ठंडा हो गया कोई बात नहीं। ये देखो इसका अच्छा से देख लो इसका चेहरा, और पहचानते कि नहीं पहचानते कमेंट करके बता। आप खटा है कि नहीं खाता है बुरा विधि? हिंदी में बोलो, ऐसा बोलते हैं कि हिंदी नहीं आता है। ओ लारू तू भी चाहिए, आपको चाहिए? ये भी मांग रहा है मेरे को, ये मेरे से ही मांगता है देखो। तो लास्ट में पूरा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अपना जो ट्रेडिशनल बिस्कुट है बन चुका है, जो बुरा फीदे बोलते हैं। और आप लोग का भाषा में क्या क्या करते हैं, हर भाषा में अलग अलग होगा, मेरे ख्याल से आप लोग भी खाता होगा। तो जरूर कमेंट करके बताना जो जो लोग खाते ऐसे बना के खाते हैं। और आप लोग यहाँ पे दिया है बेस्ट करके स्टिकी राइस, नारियल, चीनी, बस है ना, उसमें से कंप्लीट हो गया पूरा अपना जो लोकल बिस्कुट। और बहुत टेस्टी बनता है यार, बहुत तरह तरह का हम लोग बिस्कुट बनाते हैं, लेकिन ये एक वैरायटी है। अभी पूरा जितना भी बनाया था ना सब यहाँ पे ही रखा है, और रखने के बाद खा रहा है सब। देखो बैठा हुआ है पहली बार तो साली साहिबा अपनी धर्म पत्नी, और यहाँ पे बबी फ्रांसिस, यहाँ पे है बापा मनोज बापा, और यहाँ पे है कल्पना जी, साले साहब का मैडम है। मैं परिचय देता हूँ, आप लोग नहीं पहचानेगा, ये है साले साहब। कैसा है साले साहब, टेस्टी है? आपका और मेरा आज एक चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है ना, अगर ये ब्लॉग बनाते बनाते बापू मेरे को न जाने क्या क्या बोलते हैं और बात को भी कंप्लीट कर नहीं पाया। अगर अभी श्रीलंका और इंडिया मैच चल रहा है ना, तो अगर विराट कोहली पहले सेंचुरी मिलता है तो इसको 520 रुपया का खिलाना पड़ेगा। अगर शुभमन गिल पहले सेंचुरी होता है तो मेरे को ये देना पड़ेगा। मंजूर है सर? ठीक है देखते है। और बेच चुका है सब लोग, हर टाइम ऐसा ही मैं रह जाता हूँ यार, ब्लॉग बनाते बनाते ये लोग सब खत्म कर देते हैं। लो खा लो खा लो। अभी थंबनेल के लिए फूतू भी खींचा है दोस्तों, और अभी बना रहा है मन्नत का मम्मी चाय है ना। गरम गरम। क्या हो गया? ओ यहाँ पे चिपक गया है, कोई बात नहीं कभी कभार चलता है। देखी और यहाँ पे मैं खाऊंगा अभी। क्या है वो, मेरे को फोटो खींचा है इसने, देखो
ऐसा फोटो मैंने थंबनेल ले रहा था उस टाइम, और मैं खाके दिखाता हूँ मैं आप लोग को कैसा हुआ है। ज्यादा मेदरा हुआ है, मेदरा मतलब गीला दोस्तों, मेदरा मतलब गीला, अपना वजह से बोला था डायरेक्ट। तू मेरा बेटा ये दुश्मन है, मेरे को मांग ही बोल रहे खालो 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 चाय चाय वेट कर गा बहुत टेस्टी है। चौप चाय को वेट कर रहा है, साले साहब भी चाय वेट कर रहा है, इसका मैडम भी वेट कर रहा है, और बापू भी, मैं नहीं पीता हूँ चाय, नहीं पीता, ये भी चाय वेट कर रहा है, वहाँ पे बन रहा है चाय। तो दोस्तों चाय भी रेडी हो चुका है, यहाँ पे देखिए तो अपना चाय भी आ रहा है, मैं तो नहीं पीता हूँ, और मेरा थोड़ा दूध कम दिया है क्या, दूध ज्यादा दिया है, ज्यादा दिया है, ज्यादा पानी। हाँ सब लोग ले लो मैडम जी, ले लो साले साहब का मैडम जी है, आपका चाय खत्म, फिनिश कर दिया, देखो क्या हो गया, क्या हो गया, पूरा चाय डाल दिया, ओ चाय इधर दे, यहाँ पे देखिए सब खराब हो रहा है, ले लो चाय, यहाँ पे सब लोग देखो चाय पी के ना जाने कहाँ किसके ऊपर गिरा दे रहा है, क्या हो रहा है कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है, और सबको मिल गया है चाय, लोग सिलेंडर हो रहा है दोस्तों, और बिस्कुट से भी सिलेंडर हो गया, चाय से भी सिलेंडर हो गया, लास्ट में आखिरी में खाली साले साहिब बचा है, देखो कब तब सिलेंडर नहीं होगा, अब तक खत्म नहीं हो रहा है ना। हाँ खा लो वो आप बिस्कुट है। बिस्कुट ही साथ पी लो आराम से, बिस्कुट भी खा लो चाय भी पी लो, वो बीमारी जरूर आप लोग कमेंट करना, पिएगा बाबा, ए बापू भी पिएगा, दे दो उनका थोड़ा दे दो, इसको कोई भी नहीं दे रहा है बेचारा, देखो बेचारा मेरा बेटा को कोई भी चाय नहीं देता, आजा आजा बाबा आजा, जो पी लो मामी दे रहा है जा। तो अभी लोकल बिस्कुट वगैरह तो खा लिया है दोस्तों, और आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और लोग खाता है करने के और एक बार जरूर कमेंट करना, और यहाँ पे देखिए सब चाय पीने के बाद और लोकल बिस्कुट खाने के बाद जो भी इन लोगों ने खाया था पिया था सब क्लीन कर रहा है देखो। तो अभी रात भी होने वाला है, शाम को तो मेरे को भूख भी नहीं लग रहा है, पूरा फैट भर गया है, और ब्लॉग को इसमें रख लेते हैं, और पहली बार चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब से जरूर करना, और वीडियो को भी लाइक करके जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, बाय बाय।